एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें नंबर ऑफ फिलहाल तो 20 है, हो सकता है इसमें ज्यादा, तो 2200 ऐसे एम्प्लॉय का डेटा है। और मेरा एक सैलरी स्लिप तैयार है जिसमें हमने फॉर्मूले वगैरह हर चीज लगा दिया हुआ है, मतलब कि मैं यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय कोड को चेंज करूंगा, लूंगा 2, तो पूरा डेटा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर इसको सेव एज कर लेना है पीडीएफ में, एक पर्टिकुलर फोल्डर फोल्डर होना चाहिए। तो हाँ, फोल्डर भी खुद क्रिएट करना चाहिए ई ड्राइव में। ई ड्राइव के अंदर 2020 होगा ना, 2020 का एक फोल्डर में बना देता हूँ, 2020 का फोल्डर बनेगा, 2020 में जाएगा और जिस महीने का सैलरी है उस महीने का यहाँ पर, समझ गए? मतलब कि ये सैलरी बनाकर ये जो नाम दिख रहा है ना, इस नाम से वो फाइल बना देगा जो कि हमारा A2 पे जो वैल्यू है, समझ गए? ठीक है सर। तो इसमें हम जाते हैं डेवलपर में। सबसे पहले मैं फाइल कहाँ है, तो मैंने आपकी फाइल खोली हुई थी, तो आपकी भी फाइल में खोल लेता हूँ, चल ठीक है बाद में खोलेंगे। हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट आर आर या पीडीएफ पीडीएफ के नाम से बना देता हूँ। यहाँ पे लूप लगाऊंगा, मैं लूप लगाऊंगा, लूंगा 4i = चले चले तो डेटा के अंदर जो लास्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेंज यहाँ पे रेंज। अब यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी दे सकता हूँ एप्लीकेशन, इससे भी दे सकता हूँ, देख लीजिए एप्लीकेशन, बहुत सारे लोग देते हैं डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, और यहाँ पे सेव डेटा डेटा डॉट रेंज ए बाय ए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देते हैं सर, समझ में आया सर? ठीक है सर। हाँ काउंट कर रहा टोटल सीट के। हाँ एप्लीकेशन वर्क तो सर पूरा एप्लीकेशन एंड वर्क फंक्शन क्यों लगाया? जितना वो डेटा उतना काउंट करेगा कि डेटा है। हाँ नहीं एप्लीकेशन वर्कशीट क्यों लगाया है पता है आपको? एप्लीकेशन डॉट ये फंक्शन है सर। क्यों लगाया? क्योंकि हर फॉर्मूला तो लगा था, मैं लेन लगा था, क्योंकि लेन में तो नहीं लगाऊंगा मैं, डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, ये तो फंक्शन है। अच्छा कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि VBA को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि काउंट है, जैसे लेन करता है, कैसे पता? जैसे ब्रैकेट में अप्लाई करूंगा नीचे एक्सप्रेशन आ रहा है, ये डायरेक्ट राइट लेफ्ट ये सब कर रहा है, सब कर रहा है। जो नहीं करता है जैसे काउंटे लिखेंगे ना आप, काउंटे आपको देखिए नीचे ब्रैकेट में ए इंच दिख रहा है, दिखा सर? हाँ सर नहीं आता इसमें। तो ये आपको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस पे मुझे D2 के ऊपर, हाँ तो रेंज D2 नहीं है D4 है, D3 है, D4 है सर, D3 D3 है, रेंज D3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स डेटा, डेटा शीट्स लेना है ना सर? हाँ डेटा शीट्स लेना है सर। शीट्स डॉट रेंज सेल में आई रो एंड वन कॉलम डॉट कॉलम जी सर। तो इससे क्या होगा, ये डालते ही ये सारा का सारा आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक मिनट सर, अमित हाँ
मैम आपको मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास खत्म करके आपसे बात करता हूँ 5 मिनट, ठीक है। अब इसको सेव एज करना है, तो सेव एज करने का कोड जानते ही है सर, अगर जी सर है, तो आप रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या जी। रिकॉर्डिंग सेव एज में दो चीजें हैं, सेव एज भी कर सकते हो या फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आपने यहाँ पे अभी हमने लिख दिया, फिलहाल तो कुछ और कर देता हूँ, लोकेशंस मैं एक बार लोकेशंस दे लूँगा ताकि लोकेशन अपने आप आ जाएगा। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक। हाँ जी सर, यहाँ पे अब जैसे कि हमने हमने बताया था कि हम अपना खुद से बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने मेक डायरेक्टली से एक फोल्डर बना दिया है 2020 में, ठीक है। ऊपर हेडिंग आ रहा है ना, सैलरी ब्रेक ऑफ दिसंबर 2019 उस नाम से, और यहाँ पे भी हम वो ऐड कर देते हैं परसेंट, और ये जो फाइल इसका नेम है हमारा तो D3 में है ना, तो रेंज हाँ D3 में D3.val एड परसेंट कर देता हूँ, यहाँ पे एड परसेंट नहीं लगा है, यहाँ एड परसेंट लगाना होगा, तो D3 का नेम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट PDF में है, फाइल नेम हो गया हमारा, फाइल नेम भी पूरा का पूरा प्रोसेसिंग समझ में आया आपको। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे एक और मुझे स्लैश बैक स्लैश ऐड करना पड़ेगा, नेम से पहले बैक स्लैश, उसके बाद ओपन आफ्टर पब्लिश, मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हर 20 फाइल को ओपन कर देगा सर, ओपन कर देगा जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले राइट, फिर फोल्डर, फिर हम उसी फोल्डर, इसके बाद हमने लूप चलाया और एक एक करके हमने वैल्यू को अपडेट किया और फिर उसको सेव एज PDF करता चला गया एक उसी लोकेशन में, और नेम उसका क्या होगा, तो उसका एम्प्लॉय कोड उसका नेम होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, राइट किया और यहां से मैं PDF वाला माइक्रो रन कर रहा हूं, दिख रहा है सर मुझे जो रहा है, सारा डेटा ले रहा है, हाँ। इस सारा सारा डेटा कहां पे दे दिया, यहां पे ई अंदर 2020 के अंदर, ये रहा सैलरी का, ये सारे के सारे रहे। अब मैं एक एक करके एक बार देख लेता हूं कि सही है नहीं है, ये आपका देखिए F01 का है और इसके हिसाब से सही है सैलरी, अगर हम दूसरे को 02 को तो 02 का ये आपका नीरज का है और इसका सैलरी अलग है, उसका 15,000 था, इसका 14,000। 3 का, 3 वाले को देखिए क्या है,
इसका अलग है, इसका 14,000 है लेकिन सिटी से ज़्यादा है, 14,000 15,000 से थोड़ा कम है, समझ गए सर? ठीक है सर, ये हमने आपको बोला था, ये सारे के सारे सैलरी स्लिप यहाँ पे अपने स्टोर हो गए सर। तो इसको सेव करने में काफी टाइम लगता और एक अच्छी फॉर्मेट में बनी है, किसी को सैलरी के अच्छे ठीक ठाक फॉर्मेट है वो में बना है ना सर। ये हमने बताया था, तो इसको हमने इस तरह से रन किया है। तो यहाँ पे चीज बताने का पीछे पर्पस क्या है, रिपोर्ट ऑटोमेशन का पार्ट है, इस पर्पस इसमें ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट डू विद बीवी है, कौन सा पार्ट डू विद एक्सेल। अब देखिए इसी को हमने वी लुकअप से किया था, अगर इसको बीवी से करता तो क्या होता कि मुझे ये फाइल बन गई, तब जरूरी नहीं है कि मैं सैलरी स्लिप को मैं प्रिंट करूं। अब किसी ने फोन कर कि मेरा एम्प्लॉय कोड 11 है, 10-11 है, मेरा सैलरी क्या है बताइए, थोड़ा बताइए। तो मुझे इस चीज को जानने के लिए खा तो डेटा में जाना पड़ेगा, तो डेटा में देखने में थोड़ी सी, क्योंकि डेटा फॉर्मेट अब देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से दिख रहा है, साफ दिख रहा है, बट डेटा फॉर्मेट में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना सर, कंफ्यूजन होगी, या सिंपल है। अब मुझे इस चीज को देखने के लिए मैक्रो रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आपके वाले एग्जाम्पल में मुझे मैक्रो को रन करना पड़ता, समझ गए ना? अगला स्टेप सब ऊपर बनाना है यहाँ पे, जैसा बोलने एक ही बार फॉर्मेट बनाना है यहाँ पे, तो अब तो सारा डेटा के लिए मैक्रो बनाना है। अब अगला स्टेप इसमें आता है, ये तो ऑल्सो ठीक है, अगला स्टेप इसमें आता है अब इन सबको मेल, मेल करना समझे कि नहीं? हाँ, आउटलुक से ना। हाँ। तो आउटलुक से कैसे मेल करना है? जो फोल्डर में जो, लेकिन सर इसमें है जो जिसको जिसका आईडी है उसका ईमेल आईडी भी चाहिए। ईमेल आईडी होगी, बता अभी बता रहा हूँ, दो मिनट दीजिए, इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। इसमें ए हो गया हमारा, अब इसको क्या करना है आपको, ए कि आपकी ईमेल आईडी है, ये जो आप एक डेटाबेस ऐसा होगा जिसमें आपके एम्प्लॉय कोड होंगे और उसकी, ठीक है, एम्प्लॉय कोड और ईमेल आईडी होगी जहां पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी पे आपको मेल भेजना है, इन सारे ये अलग एक ही है लेकिन आपके साथ अलग अलग ईमेल आईडी होगा, इन सबको मेल भेजना है। अब मेल का हेडिंग होगा उसका नाम, मेल एक पैटर्न होना चाहिए कि डियर पूजा योर दिसंबर मंथ सैलरी विथ अटैच्ड फाइल, और दिसंबर मंथ सैलरी, जनवरी मंथ सैलरी, हर मंथ का सैलरी इसके अकॉर्डिंग वो उठाएगा, और इसी का पीडीएफ इसके साथ अटैच्ड होना चाहिए, समझे? इसी का पीडीएफ अटैच होना चाहिए। ये फाइल मैं आपको भेजता हूं, आप जो सॉरी इसमें आप इसको बना के मुझे भेजें, तो फिर कल हम आपको कनेक्टिविटी सिखाएंगे आपको। ठीक है सर, बनाता हूँ इसको। तो आप वीवीए समझ रहे हैं ना, ये कैसे इस्तेमाल करना है सर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रही है। चलिए मैंने मेल कर दिया, मिलते हैं कल, ठीक है सर।